हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रियाज खान और आप देख रहे हैं हमारे चैनल रियाज खान राइट। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने चैनल का सब्सक्राइब बटन एनिमेशन कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल से। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सब्सक्राइब बटन एनिमेशन कैसे बना है। जैसे कि आप मेरा सब्सक्राइब बटन एनिमेशन देख सकते हैं, ये मैंने खुद क्रिएट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मैं आपको मिल सकेगा, हमारी वीडियो आप देख सकेंगे। तो आपको सबसे पहले किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी अपना सब्सक्राइब बटन एनिमेशन बनाने के लिए? आपको चार चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो है डू रिकॉर्डर, काइनमास्टर, ग्रीन हैंड एनिमेशन एंड साउंड। आपको ये चार चीजों कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बता देता हूँ। इन चारों चीजों को डाउनलोड करके आप अपना सब्सक्राइब बटन एनिमेशन बना सकते हैं। तो फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपको जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है फाइल की, आप उस फाइल को कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। मैंने यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दी है और आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और साथ ही आपको यहाँ पे 5 सेकंड का टाइमर चलता हुआ नज़र आएगा। तो आपको करना है, ब्लॉक का ऑप्शन होगा, आपको ब्लॉक कर देना है। मैंने इस पर ब्लॉक पे करने के बाद अब आपको करना क्या है, स्किप दिस ऐड पे क्लिक कर देना है। स्किप दिस ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको करना क्या है, या आपके क्रोम ब्राउज़र में इस तरह का ऑप्शन आ रहा होगा तो इस पर कट करके हटा सकते हैं, या मोबाइल का एक बैक बटन दबा कर इसको बैक कर सकते हैं। मैं करता हूँ मोबाइल के बैक के बटन से और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी फाइल आ चुकी है डाउनलोड करने के लिए। जैसे ही आप इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी फ़ाइल डाउनलोडिंग के लिए लग जाएगी। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने फ़ाइल ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो फाइल डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों मैं क्लिक कर देता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं आपको। देख सकते हैं दोस्तों ये डाउनलोड होने लगी, तो मैं आपको दिखा देता हूं विवरण। तो दोस्तों ये देख सकते हैं फ़ाइल डाउनलोड होने लगी, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। अब आपको करना क्या है, जैसे आपको फ़ाइल डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है जेट आर चीवर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ Jet-A-R चीवर। तो दोस्तों ये मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करने के बाद अब आपको अनुमति यानी कि परमिशन दे देनी है अलाउ। अलाउ करने के बाद जो आपने फाइल डाउनलोड करी है उस फाइल को ढूंढ लेना है। तो मैं ढूंढ लेता हूँ कहाँ है डाउनलोड दे। दोस्तों आपके मोबाइल में जरूर डाउनलोड का ऑप्शन होगा, तो वहाँ पे डाउनलोड का फोल्डर होगा तो डाउनलोड के फोल्डर में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने डाउनलोड के फोल्डर में आ चुका हूँ और जिप फाइल जो मैंने डाउनलोड करी है वो यहीं गई होगी। हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये रही जो फाइल हमने डाउनलोड करी थी वो फाइल यहाँ पर है। तो आपको करना क्या है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मेरा तो हिंदी मोबाइल हिंदी पर है, तो आपको करना क्या है, दूसरे ऑप्शन पे एक्सट्रैक्ट हर लिखा होगा तो आपको दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप चाहें तो तीसरे ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और ये फाइल एक्सट्रैक्ट होने लगी। जब ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इस तरह का एक फोल्डर आ चुका है, आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे डू रिकॉर्डर और हैंड टच स्क्रीन ग्रीन एनिमेशन मिल जाता है और यहाँ पे काइनमास्टर मिल जाता है विदाउट वाटर मार्क और अब आपको मिल जाता है साउंड। जो चीज़ मैंने कहा था वो सारी चारों चीज़ों की यहाँ पे चारों चीज़ मिल जाएगी। मैंने ये डू रिकॉर्डर इंस्टॉल कर रखा है और काइनमास्टर इंस्टॉल कर रखा है। अब आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको आगे करना क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको काइनमास्टर एंड डू रिकॉर्डर डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अब आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको डू रिकॉर्डर ओपन करना है। डू रिकॉर्डर ओपन करने के बाद अब आपको सेटिंग पे जाना है इसकी। सेटिंग पे जाने के बाद इस तरह से सेटिंग पे ऊपर सेटिंग है तो यहाँ पे जाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी क्वालिटी
देख सकते हैं यहाँ पे फुल क्वालिटी HD मतलब फुल HD सेट कर लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेट कर रखी है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको और करीब लाता हूँ, देख सकते हैं फुल HD पे मैंने इसे सेट कर रखा है। तो फुल HD पे सेट कर लेना और इसको इस तरह से हटा देना बस, और बाकी ठीक सब ठीक है। अब आपको आगे करना है क्या है मैं ये भी बता देता हूँ। अब आपको YouTube खोलना है। YouTube पर खोलने के बाद मैं अपने दोस्त का चैनल सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे दोस्त का चैनल है ये, मैं इसको ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं एक वीडियो प्ले कर लेता हूँ कोई सी भी, जैसे कि ये वाली, इसको मैं प्ले कर लेता हूँ। अब आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे वीडियो रोक दूंगा, मैं जैसे कि यहाँ पे मैंने ये वीडियो रोक दिया। वीडियो रोकने के बाद अब आपको करना क्या है, अपने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, करीब मैं दिखा देता हूँ, टाइमिंग चल रही है। तो आपको बात करना क्या है, तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ बिल्कुल ही, यहाँ पर नीचे करने के बाद इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से बिल्कुल नीचे, यहाँ इसको मैं यहाँ कर देता हूँ नीचे बिल्कुल ही। नीचे करने के बाद अब आपको करना क्या है, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद जैसे जैसे आप बोलते हैं वीडियो में उसी तरीके से आप कर लेना सब्सक्राइब। तो यहाँ पे मैंने इसको सब्सक्राइब कर दिया और साथ बेल आइकन प्रेस करके मैंने इसे ऑल पे सेट कर दिया। ऑल सेट पे करने के बाद अब आपको लाइक कर देना है। लाइक करने के बाद देख सकते हैं ये स्क्रीन रिकॉर्डर हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग रोक दूंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं रोक दूंगा। देखा दोस्तों, मैंने इसको रोक दिया है। अब आगे करना क्या है ये भी बताता हूँ मैं। दोस्तों आपने देखा कि मैंने अपने दोस्त का चैनल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है, उसी तरह अपने चैनल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद अब आपको आगे करना क्या है उसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ। आपको जाना है डू रिकॉर्डर पर, जो आपने रिकॉर्डिंग करी है वो डू रिकॉर्डर में यहाँ आ जाएगा पहले नंबर पे ही, जैसे कि यहाँ पे मेरा आ रखा है। तो आपको करना है वीडियो को ओपन। वीडियो को ओपन करने के बाद यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है एडिट का ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे जो मेरी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हुई है वो मैं यहाँ से बंद कर दूँगा। बंद करने के बाद यहाँ से मैं डन कर देता हूँ। डन करने के बाद आपको आगे करना क्या है, यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन दे रखा है तो आपको क्रॉप पे क्लिक करना है। क्रॉप करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ फ्री का ऑप्शन है और वहाँ की आगे के टेम्पलेट साइज दे रखे हैं। तो आपको करना है क्या, इसी वाले पे ही सिलेक्ट करना है। जब आपको सिलेक्ट कर लेना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉप करने के लिए तो क्या उतना एरिया क्रॉप कर लेना है जितना एरिया हमें चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से इतना क्रॉप कर लेता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे राइट का बटन है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डू रिकॉर्डर का वाटरमार्क आ रहा है, तो यहाँ से कट करके मैं हटा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी बेकार आ रही है, तो जैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे वैसी क्वालिटी साफ हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन है, तो यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये सेव होने वाली है, तो ये देख सकते हैं कि ये सेफ हो चुकी है। क्या है वो भी बताता हूँ मैं। तो दूसरा एक और है, आपको एक बार और क्रॉप करना होगा, तो फिर से वही वीडियो लेंगे और फिर से वीडियो को रोकेंगे, फिर से एडिट में जाएंगे, फिर जाएंगे इसका आवाज़ बंद करेंगे। आवाज़ बंद करने के बाद अब आपको जाना है डन। डन करने के बाद फिर से जाएंगे क्रॉप पे। क्रॉप पे जाने के बाद फिर से फ्री ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ से हम आगे जाएंगे और जो बेल आइकन है उसका जो पॉपअप विंडो खुलता है उसको क्रॉप करेंगे। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ा के देख लेता हूँ कि कितना देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पॉपअप खुला है देख सकते हैं। तो मैं इतना एरिया क्रॉप कर लूँगा ये, तो यहाँ आप ध्यान से कर लेना दोस्तों, पर मैं इतना करूँगा नहीं। तो इतना करने के बाद आपको
राइट कर देना है। राइट करने के बाद यहाँ से फिर से देख लेना कि वाटर मार्क आ रहा है नहीं आ रहा, तो ध्यान से वाटर मार्क हटा ले और फिर उसके बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ सेव। सेव कर लेता हूँ, इसको सेव होने देते। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये वीडियो सेव हो चुकी है। सेव होने के बाद अब आगे करना क्या है मैं बताता हूँ। अब आपको जाना है काइन मास्टर पर, तो चलते हैं काइन मास्टर पर। अब मैं यहाँ से काइन मास्टर ओपन कर लेता हूँ। काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको पहला वाला टैबलेट सिलेक्ट कर लेना है 6.9 का। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आपको मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाना है। बैकग्राउंड जब पे जाने के बाद ब्लैक कलर मैं ले लेता हूँ। ब्लैक कलर लेने के बाद मैं इस कलर को सिलेक्ट करूँगा और इसको ग्रीन रख देता हूँ। मैं ग्रीन कलर ले लिया। अब ग्रीन कलर लेने के बाद अब आपको करना क्या है मैं कर देता हूँ राइट। और उसके बाद मैं जाता हूँ लेयर पर। लेयर पर जाने के बाद मैं मीडिया लूँगा। मीडिया के बाद जो हमने मतलब वीडियो क्रॉप किया है उस वीडियो का हम ले लेंगे कि उस फोल्डर, ये मेरा फोल्डर है इस पर आइए, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको मैं रख देता हूँ बीचों बीच में। जिस तरह आप देख सकते हैं चार लाइन्स आ रही हैं, तो बीचों बीच में आ चुका है ये। तो अब हम कर लेंगे इसको क्रॉपिंग ध्यान से इस तरीके से, तो जितना हमें चाहिए उतना क्रॉप कर लेते हैं। और तो मैं कर लेता हूँ इतना, देख सकते हैं दोस्तों इतना क्रॉप करने के बाद ये जितनी लाइन्स है तो इतना क्रॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे इतना क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे डू रिकॉर्डर का ब्रश आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो हम बड़ा कर लेंगे बैकग्राउंड को। बैकग्राउंड को बड़ा करने के बाद अब जो डू रिकॉर्डर का वो आ रहा है आइकन, तो उसको हटाते हैं और जितना हमने जब सब्सक्राइब किया था उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्सक्राइब हो रहा है, यहाँ पर ये देखिए सब्सक्राइब हुआ है एकदम से, इस पर बेल आइकन आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, तो सब्सक्राइब ले लेते हैं। इस तरीके से सब्सक्राइब हो रहा है, यहाँ से सब्सक्राइब है इस तरीके से। तो यहाँ से मैं वीडियो कट कर देता हूँ यहाँ से इस तरह से, जो पार्ट है आगे का उसको मैं कट कर देता हूँ और राइट कर देता हूँ। इसको होल्ड करके रखूँगा फिर आगे ले जाऊँगा। आगे ले जाने के बाद अब आपको यहाँ से मैं देख लेता हूँ ध्यान से, अब जो हमने बेल आइकन का पॉपअप क्रॉप किया था उसको हम ले लेंगे। तो मैं उसको ले लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे बेल आइकन का जो पॉपअप था वो मैं उसको ले लेता हूँ मीडिया लेयर पे क्लिक करके। तो मीडिया में गया और जो ये रहा पॉपअप, और ये देख सकते हैं कि हमें ये पॉपअप मिल चुका है। तो हम इसको ध्यान से सेट कर लेते हैं लाइन बाय लाइन, इसको लाइन से लाइन मिला लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से मिला लेते हैं। तो दोस्तों मिल गया ये। तो हम इसको जो आप देख सकते हैं कि साइड साइड में ब्लैक लाइन्स आ रही हैं, देख सकते हैं ब्लैक लाइन्स आ रही हैं, तो इसको हम हटा देंगे। तो इसको हटाने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉपिंग, तो इसको ऑन करके हम इसको इतना नहीं इतना क्रॉप कर देंगे, इतना क्रॉप कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर कितना क्रॉप कर देते हैं हम क्रॉप करने के बाद, और यहाँ पे इसको हम हटा देंगे जो आगे बेकार आगे का पार्ट है। तो उतना एरिया हम ले लेंगे जितना जब सब्सक्राइब करते वक्त पॉपअप आया था। तो यहाँ पे बेल आइकन दबाने का, हाँ ये रहा,
तो हम क्या करेंगे, इसको ले ड्रॉप कर लेंगे सही से। बेल आइकन दबाया इस तरीके से, इस तरीके से बेल आइकन आया था। तो हम इसको कर लेंगे आगे का पार्ट ड्रॉ कट। कट करने के बाद हम इसको होल्ड करके रखेंगे और आगे ले जाएंगे, इसे आगे ले जाएंगे बिल्कुल। तो अब इसको हम देखेंगे सही से, तो हम कर लेते हैं इसे सेट अच्छे से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अब मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ कि कैसे यह है, सब्सक्राइब बटन क्या चल रहा है। मैंने अभी ना साउंड लगाया है ना हैंड लगाया है, देख सकते हैं। कॉल पे चैट इसी तरीके से ये बनता है। अब मैं इसमें साउंड लगा देता हूँ। अब मैं साउंड और हैंड दोनों लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैं मीडिया पे जाऊँगा। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ पे डू रिकॉर्ड काइन मॉइस्चर साउंड, तो यहाँ पे ये है क्या, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। कट कर के मीडिया पे जाता हूँ जो हमने फाइल डाउनलोड करी थी, या ये आगे बढ़ा के देखते हैं कि हैंड है ना। हाँ दोस्तों ये हैंड ही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्रोमा की ओपन कर देंगे। यहाँ से क्रोमा की ओपन और राइट क्लिक करेंगे और हैंड ले लेंगे, देख सकते हैं। तो थोड़ा इसको कर लेते हैं सही, तो यहाँ पे हम इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा, माइनस 50। तो इतना ही ठीक है, तो ऐसे ले लेते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं कट, इसको सही से इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से आएगा। इसको हम सही से सेट कर लेंगे, इसको मैं सेट कर लेता हूँ, तब मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने हैंड सेट कर लिया है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देख सकते हैं ये सेट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, बेल आइकन पे अब हैंड सेट करना है। तो मैं इसको बेल आइकन पे हैंड सेट कर देता हूँ। तो मैं रुक रुक के इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं रुक रुक के दिखा रहा हूँ। तो मैं हैंड पे सेट करके दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। तो मैं आगे बढ़ाता हूँ इसे इस तरीके से, तो मैं फिर से हैंड ले लूँगा मीडिया पे क्लिक करके। तो मैं यहाँ से क्रोमा की ऑन कर देता हूँ, क्रोमा की ओपन, और ये अब मैं देख लेता हूँ हैंड कहाँ है, इस तरीके से आ रहा है। तो आगे बढ़ा के देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे और हम इसे और से यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बेल दबेगी, तो हम बेल दबाएंगे। तो यहाँ पे बेल दबाई गई है, तो इसे बेल पे सेट करेंगे। इस तरीके से
से ऐड कर लेंगे। तो सब देखाते हैं। तो अभी से हैंड को सेट जब करना है, जब बेल आइकन दबेगा, तो बेल आइकन जब दबेगा तो इसको मैं सेट कर देता हूँ उसी पे। तो बेल आइकन कहाँ दब रहा है देखते हैं। तो बेल आइकन इस तरह से दबाए, इसको मैं पीछे कर देता हूँ थोड़ा, फिर देखते हैं। तो देख सकते हैं कि अब ब्लैक डॉट बन रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे टच किया गया है, तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे हैंड। तो यहाँ पे तरीके से आएगा, नहीं तो ये आया है पीछे रह गया थोड़ा, इसको और आगे करेंगे थोड़ा और इसको देखते हैं। आप चलिए इसको एक तरह से किया और दोबारा हैंड आ रहा है, तो क्या करेंगे इतना पार्ट काट देंगे इसका पीछे का। काटने के बाद अब फिर से हैंड लेंगे इस तरह से लगा, टच किया, टच करने के बाद अब इसे ऑल पे सेट कर रहा है। तो ऑल पे सेट करने के लिए मैं हैंड आपको दिखा दिया मैंने कि इस तरह से हैंड सेट करना है, उस तरीके से हैंड सेट करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइब बटन एनिमेशन तैयार हो चुका है, तो मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। सब्सक्राइब, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए। ये हो गया बेल आइकन प्रेस, ये हो गया ऑल पे सेट और ये हो गया वीडियो लाइक। इस तरीके से एनिमेशन बनेगा सब्सक्राइब बटन का। तो अब आ रहा है क्या साउंड लगाना, तो साउंड कैसे लगाना है अभी रुको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये ब्लैक लाइन आ रही है, तो इस ब्लैक लाइन को हटा देते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे क्रॉपिंग में, तो इसको क्रॉपिंग ऑन कर देते हैं। तो यहाँ से इतनी जगह क्रॉप कर देंगे लाइक, उसके बाद देख सकते हैं ब्लैक लाइन नहीं आ रही है। तो अब करेंगे आगे वालों के लिए ही क्रॉप कर देंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तरीके से, ये बढ़ा दिया और इसका भी कर देते हैं। तो इसका प्ले करके देखते हैं कैसा है, ब्लैक लाइन आ रही नहीं आ रही। इसकी ब्लैक लाइन नहीं आ रही है, आ रही है। तो इसे हम कर देते हैं क्रॉप, तो यह इतना क्रॉप कर देते हैं। क्रॉप करने के बाद अगली वाली का भी कर देते हैं क्रॉप, तो इसका प्ले करके देख लेते हैं एक बार। तो इसका ब्लैक लाइन नहीं आ रहा है, तो जितना हमने वीडियो बनाया था, जितना एनिमे हमने रिकॉर्ड किया था, उतने तक का ही हम इस बैकग्राउंड को रखेंगे। तो हम इसको बैकग्राउंड को कर देते हैं कट। कट करने के बाद अब आगे क्या करेंगे, अब साउंड लगाएंगे। साउंड लगाने के लिए ऑडियो पर क्लिक करेंगे हम। ऑडियो पर क्लिक करने के बाद जहाँ पर हमने ऑडियो डाउनलोड किया था वो हम लगा लेंगे सेट। तो ऑडियो हम सुन लेते हैं कैसे, तो सब्सक्राइबिंग का साउंड, तो सब्सक्राइब साउंड यहाँ से, तो हम इसको इतना इतना कट करके निकाल लेके सेट कर लेते हैं। तो तब तक वीडियो रोक देता हूँ। तो दोस्तों मेरा सब्सक्राइब बटन एनिमेशन तैयार हो चुका है, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं, सब्सक्राइब एंड आप जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी ही सब्सक्राइब बेल आइकन वगैरह दबेगा।
तो मैंने वीडियो बनाते वक्त काफ़ी देर कर दी थी, इसलिए लंबी बन गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेल आइकन दब चुका है और ये लाइक हो चुका है। इसी तरीके से आपको दिखा देता हूँ नीचे क्या क्या लगाया मैंने। देखा दोस्तों, मैंने ग्रीन कलर का बैकग्राउंड लगाया है और साथ ही मैंने वो वीडियो लगाई है लेयर में, और ग्रीन हैंड लगाया और साउंड लगाया है, जो मैंने आपको इन तीनों का लिंक दिया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से अपने सब्सक्राइब बटन का एनिमेशन बना सकते हैं। आप लोग अपने चैनल का एनिमेशन बनाइए और आप कहीं से भी डाउनलोड मत कीजिए, बस जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके को आजमाइए। स्क्रीन रिकॉर्ड कीजिए और क्रॉप करके और बनाइए आराम से। तो मैं इसको कर लेता हूँ एक्सपोर्ट करने के लिए जाता हूँ शेयर पे मैं इसको कर देता हूँ फुल HD और करता हूँ एक्सपोर्ट। तो दोस्तों देख सकते हैं कैसे एक्सपोर्ट हो रही है, इसको जब होने देते हैं एक्सपोर्ट। तो दोस्तों वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो मैं कर देता हूँ एक्सप्लेयर, मैं इसको पीछे फेर करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरह के से HD, और अगर आपके मोबाइल पर फुल HD सपोर्टेड करता है काइंड मास्टर तो और भी अच्छी क्वालिटी दिख सकती है, पर मेरे में HD दिख रहा है तो HD ही आ रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।